जिस पति के मृत्यु के बाद पत्नी को विधवा होना था, जिस पति के मृत्यु के बाद पत्नी के माथे से सिंदूर और हाथों से चूड़ियां निकलनी थी, उस पत्नी को अपने हाथों में किसी और का हाथ और अपने हाथों में पति के मृत्यु हो जाने की खुशी में उपहार चाहिए होता है। ये किसी बॉलीवुड फिल्म में दिखाए जाने वाली सीन की कहानी नहीं, जहां पति के मृत्यु के बाद पत्नी पागल हो जाती है और अजीबोगरीब हरकत करने लगती है, बल्कि ये पूरा मामला बिहार के पूर्णिया का है, जहां अपने पति को अपने और अपने प्रेमी के रास्ते से हटाने की खुशी में मग्न पत्नी अपने प्रेमी से उपहार की मांग करती है। लेकिन अफसोस कि अब वो उपहार उसे जेल के चार दीवारों में मिलेगा, क्योंकि पुलिस ने इस कलयुगी पत्नी के साथ उस युवक की हत्या के साजिश में शामिल सभी को गिरफ्तार कर इस हत्या का बड़ा खुलासा किया है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन पीयूष के साथ। बिहार के पूर्णिया में सत्संग विहार में हुए नए साल के पहले यानी कि 31 दिसंबर को दवा दुकान व्यवसायी मोहन चंद्र दास हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है बिहार पुलिस ने। वैसे तो हत्या जिस घर में हुई थी, हत्यारा भी उसी घर में था, लेकिन पुलिस उसे कहीं बाहर ढूंढ रही थी। लेकिन जब मामले की छानबीन की गई तो इसमें बड़ा खुलासा हुआ कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मोहन चंद्र दास की पत्नी ही है। मोहन की पत्नी यानी कि चुमकी दास अपने प्रेमी आयुष कुमार उर्फ सौरभ सहित 5 लोगों के साथ मिलकर अपने पति का हत्या करवाती है, ताकि वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर सके, जिसके लिए शूटर को भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पुलिस ने इस मामले को ना ही सिर्फ इस मामले का खुलासा किया है, बल्कि मोहन चंद्र दास के हत्यारे को, जिसमें उसकी पत्नी, पत्नी का प्रेमी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि मोहन दास को मरवाने के लिए शूटर को दिए गए 3 बाइक, 9 मोबाइल और 5 लाख में से 54,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बता दें, दवा व्यवसायी मोहन चंद्र दास की 31 दिसंबर की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस इस पूरे मामले को हर तरीके से देख रही थी, इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी और आखिरकार चुमकी दास सहित और भी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मृत दवा व्यवसायी की पत्नी चुमकी दास ने अपने प्रेमी आयुष कुमार उर्फ सौरभ के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी और वो कामयाब भी रही थी। चुमकी का 4 साल से आयुष के साथ प्रेम प्रसंग जारी था और जब इसकी जानकारी मोहन चंद्र दास को मिली तो उसने अपनी पत्नी चुमकी दास को डराया, धमकाया और उसके साथ मारपीट करनी भी शुरू कर दिया और उसके बाद उसका मोबाइल छीन लिया करता था और इसी सबसे तंग आकर अपने पति को मारने की साजिश चुमकी दास अपने प्रेमी आयुष के साथ मिलकर करने लगी। पति को रास्ते से हटाने के लिए आयुष ने अपने मित्र गौरव कुमार, मनीष कुमार, रमन कुमार और भी एक युवक को 5 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद 31 दिसंबर से पहले भी मोहन दास को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपराधी सफल नहीं हो पाए थे और फिर 31 दिसंबर की रात अपराधियों ने दवा व्यवसायी मोहन की हत्या कर दी। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड चुमकी दास और उसका प्रेमी आयुष को बताया जा रहा है और इसी पत्नी ने अपने प्रेमी से अपने पति की सफलतापूर्वक हत्या के बाद उपहार मांगा था और कुछ दिन बाद पूर्णिया से बाहर घूमने जाने का प्लान भी बनाया था। लेकिन पुलिस ने इन सभी हत्यारों को अब ढूंढ निकाला है और गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी करने लगी है। ऐसे में आगे जो भी इस मामले में नए अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।